Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hafiz Mohammad Vaiskarni and you are watching my YouTube channel that is Free Learning for All Exams. As you know, I have done my MPhil in teacher education from Iqra University, Karachi. If you want to enroll in this course, then you can contact me on my given number. And today our topic is Piaget's psychological development. Piaget ने cognitive perspective के अंदर बहुत सारा काम किया था. Cognitive जो school of thought है उसको साइकोलॉजी के अंदर सबसे पहले इस स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर बात करने वाले जीन पेगेट या इसे प्याजे भी कहा जाता है. तो आज हम इनकी कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट को देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है एक चाइल्ड की. तो चलिए जी, सबसे पहले हम देखते हैं प्याजे को, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि वो कौन थे, वो कहां से थे, उनका बैकग्राउंड क्या था. तो ही वॉज जो है स्विस साइकोलॉजिस्ट थे और जो है इनका जो लाइफ है वो 1896 से लेके 1980s तक थी. उन्होंने थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी थी. इससे पहले जो हमने स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पढ़ी है उसके अंदर फंक्शनलिज्म था, स्ट्रक्चरलिज्म था, साइको एनालिसिस था, साइकोडायनामिक था, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी थी. ये सारे जो लेक्चर्स हैं हम अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर इन सबको कवर कर चुके हैं. अब जो प्याजे थे उन्होंने इन सारे स्कूल ऑफ थॉट से एक अलग जो है अपनी थिंकिंग दी और यही उनका जो है एक अलग कारनामा था जिसकी वजह से उनका नाम इतना मशहूर हुआ. हालांकि इस जो पूरा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी था इसके ऊपर बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी हुआ जो कि हम लास्ट के अंदर देखेंगे. ठीक है, वीडियो के लास्ट के अंदर जब क्रिटिसिज्म का पार्ट आएगा तो वहां पे हम इस चीज को डिस्कस करेंगे. बट फिर भी जैसा भी था, जो भी था, प्याजे साइकोलॉजी के अंदर और एजुकेशन के अंदर एक अपना नाम बनाने में कामयाब रहे क्योंकि ये एक बिल्कुल हटके स्कूल ऑफ साइकोलॉजी था. तो माइंड की जो है, माइंड किस तरह चीजें सीखता है, इन्होंने माइंड के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर काम की. ठीक है जी, पहले फंक्शंस के ऊपर काम हुआ था, स्ट्रक्चर के ऊपर काम हुआ था, एज अ होल के ऊपर काम हुआ था, ड्रीम एनालिसिस के ऊपर काम हुआ था. तो ये थोड़ा हट के स्कूल ऑफ थॉट था. सो होपफुली आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. द बेसिक क्वेश्चन इज बिहेवियर इज नॉट इनफ टू नो द थिंग्स व्हाट इज गोइंग ऑन द माइंड. फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा शख्स है जिसे आप बिल्कुल आप उसको जो है अच्छे नहीं लगते और आप को भी वो अच्छा नहीं लगता. वो आपके सामने आता है और आपको हाथ मिलाता है तो आप उसके साथ हाथ मिला लेंगे. ठीक है, जब हाथ मिला लेंगे आप हंसते हुए स्माइल फेस के साथ, ठीक है, आप एक स्माइल फेस के साथ उसके साथ क्या करेंगे, हाथ मिला लेंगे. बट जो आपके माइंड में उस टाइम पे क्या चल रहा है, आपका माइंड क्या फंक्शन कर रहा है. अब जो बिहेवियरिज्म था, बिहेवियरिज्म जो बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी था वो ये कह रहा था कि आपका बिहेवियर किस तरह का है. आपका बिहेवियर है कि यू आर स्माइलिंग सो इट मींस यू आर हैप्पी. बट जो कॉग्निटिव प्रोस्पेक्टिव है वो ये नहीं कहता, वो ऑब्जर्वेबल जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है उसके ऊपर फोकस ही नहीं करता. वो कहता है भाई माइंड में आपके क्या चल रहा है, आप माइंड में क्या सोच रहे हैं. तो इंसान की डेवलपमेंट समझने के लिए सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर जो है इनफ नहीं है. हमें ये जानने की बहुत अशद जरूरत है कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ ह्यूमन. तो या ये बेसिक शुरुआत थी इस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की. प्याजे सपोर्टेड द थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म एज वी हैव कवर्ड दिस इन आवर प्रीवियस वीडियो. जो हमने जब जी फिलोसफीज और एजुकेशनल फिलोसफीज के अंदर प्याजे को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था और वहां पे हमने ये भी पढ़ा था कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म. ठीक है जी, आर्ग्यूड अजम्पशंस दैट लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शंस. ये कहते हैं जी जो लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शंस, आप हर जगह पे अपनी
जो है नॉलेज बना रहे होते हैं। अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिवली जो है कंस्ट्रक्टिविज्म को पढ़ना है तो आप जो है एजुकेशनल फिलोसफीज के अंदर जाएं, वहां पे आपको इसका वीडियोस मिल जाएगा। ठीक है जी, तो मैं इसको फर्दर इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा होने वाला है। तो ऑर्ग्यूड इनकी जो अजम्पशंस थी वो ये थी, ये इनका मतलब ये नहीं था कि जो है बच्चा सुकून से बैठा रहे और रूट लर्निंग करता रहे और रट्टे मारता रहे चीजें समझता रहे, बच्चा एक्टिव रोल के तौर पे जो है पार्टिसिपेट करे ताकि वो क्या करे अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर सके। मॉडर्न थ्योरी थी उस जमाने के लिहाज से जिसने ब्रेन की वर्किंग के ऊपर काम किया। मेंटल डेवलपमेंट जो होती है वो डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू होती है, जो कि आगे भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि पियाजे ने किस तरह मेंटल डेवलपमेंट को देखा और किस तरह कितने स्टेजेस में इसको उन्होंने क्लासिफाइड किया। इन्होंने जी क्या किया जी, इन्होंने जो डिफरेंट थ्योरीज थी उनको जो है ओवरऑल तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया, इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी। मतलब एक होता है ना कि आप किसी स्कूल ऑफ थॉट से इंस्पायर होते हैं तो ये आपकी मोटिवेशन होती है, तो आप उनकी ऑल थिंग्स नहीं मानते, कुछ अपनी भी आपका माइंड होता है, कुछ अपना भी आप अपना इनपुट देते हैं। अब ये चाइल्ड को कहते थे कि चाइल्ड क्या है, वो लिटिल साइंटिस्ट है। क्यों लिटिल साइंटिस्ट है, क्योंकि जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है और वो कंस्ट्रक्टिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज कर रहा होता है अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट एनीथिंग विच आर प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड। अब ये कहते हैं कि भाई आप सीख कैसे सकते हैं, क्या टेक लगा के सीख सकते हैं, क्या लेक्चर सुन के सीख सकते हैं? ये कहते हैं नहीं, आप सीख सकते हैं लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, लर्निंग कैसे होती है, डूइंग से होती है। एक्टिव लर्निंग एज अपोज टीचर सेंटर्ड मेथड और पैसिव मेथड। देखें एक्टिव लर्निंग को दूसरे जो है लफ्जों में क्या कहते हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। क्या कहते हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड, के स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस किया जाए और स्टूडेंट्स कह रहे हैं एक्टिव रहें। जब भी बात होगी टीचर सेंटर्ड तो टीचर सेंटर्ड को हम कहेंगे पैसिव लर्निंग। उसके अंदर पैसिव लर्निंग का मतलब ये नहीं होता कि टीचर पैसिव है, टीचर एक्टिव होता है पर स्टूडेंट्स पैसिव हो जाते हैं, तो हमारा जो मेन फोकस होता है वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि हमारी प्रोडक्ट होते हैं। स्टूडेंट्स मे लर्न बाय इट्स ओन और थॉट्स बाय एनीवन, भाई वो अपने थॉट से भी सीख सकते हैं और किसी दूसरे के थॉट से भी सीख सकते हैं, अपनी नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लें प्याजे का जी, यंग प्याजे वाज इनक्रेडिबली प्रीशियस। इन्होंने जो है अपने स्टार्टिंग के अंदर ही 10 पेपर पब्लिश कर लिए थे। इन्होंने जी जो लिखा था वो मोलस्कास के ऊपर लिखा था, उनकी जो राइटिंग्स थी उसमें पूछा जाता था कि जी क्यूरेटर ऑफ मोलस्कास कौन से हैं जेनेवा के म्यूजियम के अंदर। ठीक है, और इनको जो है मना कर दिया गया था कि आप अपनी सेकेंडरी स्कूल की जो तालीम है उसको पूरा नहीं कर सकते। उसके बाद फिर जी आखिर के अंदर क्या हुआ जी, इन्होंने एट द एंड 21 ईयर के अंदर अपनी डॉक्टरेट इन नेचुरल साइंस की डिग्री हासिल कर ली थी, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद ही इन्होंने स्टडी पढ़ना शुरू किया साइकोलॉजी को, इंटेलिजेंस टेस्ट को अप्लाई करते थे स्कूल चिल्ड्रंस के अंदर, जहां से इनकी अपनी डेवलपमेंट होना शुरू हुई, जहां से आप ये कह सकते हैं कि कॉग्निटिव प्रोस्पेक्टिव की डेवलपमेंट का आइडिया इनके माइंड में आया। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज नॉट फिक्स्ड इन एनी स्टेट, ये कहता है कि भाई कोई भी डेवलपमेंट जो है वो फिक्स नहीं है, किसी स्टेट के ऊपर कोई भी डेवलपमेंट फिक्स नहीं है, वो चेंज होती रहती है। ठीक है, अब जी जो प्याजे हैं वो ये कहते हैं कि जो माइंड है वो दो स्टेट्स के अंदर होता है। अब ये बेसिक अजम्पशंस हैं आपको प्याजे की कॉग्निटिव स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को समझने के लिए। ये जो टर्म्स मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ ये आपने अपने माइंड में बहुत अच्छे तरीके से बिठाने, अगर आप चाहते हैं कि आपको प्याजे की जो थ्योरी है या प्याजे का स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो सबसे पहले इक्विबिलियम और डिसइक्विबिलियम। ठीक है, अब इक्विबिलियम क्या होता है, मिसाल के तौर पे आपको कहा जाता है कि आपने ये आप क्लास है, क्लास के अंदर आप क्या है, मॉनिटर है, आपको टीचर कह के जाते हैं कुछ भी हो जाए आपने
जो है किसी भी बच्चे को बाहर नहीं भेजना, ठीक है जी। अब कुछ बच्चे कहते हैं जी मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं कॉपी ले आऊँ, मैं पेंसिल ले आऊँ, मुझे जी मेरा दोस्त बुला रहा है। तो अब ये सारी सिचुएशंस क्या है, इक्विबिलियम के अंदर है। आपका जो मॉनिटर है उसका माइंड इक्विबिलियम के अंदर है। अब जिस तरह ही जैसे ही एक सिचुएशन आती है कि HM आ जाते हैं क्लास के अंदर, ठीक है, कौन आ जाते हैं, HM आ जाते हैं। जैसे ही हेडमास्टर क्लास के अंदर आते हैं और वो कहते हैं कि तीन चार बच्चों को कहते हैं कि बेटा जाए और बाहर जाके ये काम करें। अब वो जो मॉनिटर है ना, मॉनिटर के दिमाग के अंदर क्या होगा, जो इक्विबिलियम बना हुआ था ना वो डिस इक्विबिलियम के अंदर आ जाएगा कि अब मैं क्या करूं, किस तरह मना करूं, टीचर ने तो मुझे कहा था कुछ भी हो जाए आपने किसी को बाहर जाने नहीं देना। तो अब ये मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दी है ताकि आपको थोड़ा सा इक्विबिलियम और डिस इक्विबिलियम का पता चल सके, ठीक है जी। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, उसको आप कहते हैं कि बेटा जिसकी चार टांगे होती हैं वो क्या होता है, डॉग होता है। तो वही बच्चा जो है जब वो दो टांगों वाला जानवर देखता है तो फिर उसके दिमाग में क्या आता है, ठीक है, मतलब एक हटके चीज आ गई ना, तो वो क्या हो गया, डिस इक्विबिलियम हो गया। जो भी आपके दिमाग के अंदर चीजें हैं वो क्या है, इक्विबिलियम है। जब भी उस जो आपकी लर्निंग है, आपके माइंड के अंदर जो भी चीजें, उसके अपोजिट वाली चीज में कोई भी चीज आती है आपकी लाइफ के अंदर, तो आपका माइंड एकदम डिसइक्विलिब्रियम फॉर्म में चला जाता है। व्हेन पीपल फील डीमोटिवेटेड और इन डिसइक्विलिब्रियम, मिसाल के तौर पे यू आर ट्राइंग योर बेस्ट बट आपको कामयाबी नहीं मिल रही, तो आपका दिमाग कहां चला जाएगा, आपका दिमाग डिसइक्विलिब्रियम में चला जाएगा, ठीक है। दे आर मोटिवेटेड टू लर्न एंड अंडरस्टैंड थिंग्स। और जी इक्विबिलियम के अंदर क्या होगा कि आपका दिमाग जो है ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा, आप डीमोटिवेटेड नहीं होंगे बल्कि मोटिवेटेड रहेंगे। अब जी ये इक्विबिलियम डिसइक्विलियम हो गया। अब स्कैमा, स्कैमा क्या है, नॉलेज दैट हेल्प्स यू टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। टेबुला रूसा की थ्योरी हमने जो है पढ़ी थी, मैंने काफी वीडियोस में मैं अक्सर डिस्कस भी करता रहता हूँ, जिसमें वो कहते हैं कि इंसान का माइंड क्या होता है, ब्लैंक स्लेट होता है, ठीक है, क्या होता है, ब्लैंक स्लेट होता है। फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता करके उनके माइंड के ऊपर नॉलेज आती जाती है और वो चीजों को अंडरस्टैंड करते जाते हैं। यही सेम चीज मैं आपको समझाऊं तो यही चीज क्या है, इसी को ही स्कैमा कहते हैं। स्कैमा है क्या, ये आपका माइंड है और ये जो इसके अंदर इंफॉर्मेशन है ना, ये क्या है, स्कैमा है। ये क्या है, स्कैमा है कि आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है, आपकी नॉलेज क्या है, ठीक है, किसी भी चीज के हवाले से, किसी भी सिचुएशन के हवाले से। अब एसिमिलेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग न्यू ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशन। एसिमिलेट आप करते हैं न्यू सिचुएशंस को, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पिछली एग्जाम्पल दी, मैं उसी को ही कंटिन्यू करूंगा कि एक बच्चे ने देखा कि जानवर क्या होता है, जिसके चार पांव होते हैं, और अगर फिर वो दो पांव वाला जानवर देखेगा तो वो क्या करेगा, वो अंडरस्टैंड करेगा ना उसका प्रोसेस जो है, क्योंकि उसके स्कैमा के अंदर उसके पास जो इंफॉर्मेशन है, उसके पास इंफॉर्मेशन क्या है कि चार पांव वाला जानवर होता है। फिर जी अब ये उसको क्या हो गया, उसका माइंड जो है वो डिसइक्विलिब्रियम में आ गया, वो एसिमिलेट करना शुरू करेगा, अंडरस्टैंड करेगा न्यू ऑब्जेक्ट्स को, भाई ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर और मेरे स्कैमा के अंदर क्या फर्क है। फिर यहां से ही जो बच्चा है वो क्वेश्चनिंग करता है, क्वेश्चनिंग्स करता है, अक्सर जो उसकी हायर अथॉरिटी होती है, फैमिली हो गए, टीचर्स हो गए, उनसे अक्सर चीजें पूछ रहा होता है, क्योंकि वो क्या कर रहा होता है, एसिमिलेशन का प्रोसेस कर रहा होता है, अंडरस्टैंड कर रहा होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस नॉलेज एंड न्यू नॉलेज। अच्छा जी, जब उसको पता चल जाता है कि जी जानवर जो है वो दो टांगों वाले भी होते हैं, अब उसने क्या करना है, उसने इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के बाद अकोमोडेट करना है, ठीक है। जैसा कि आपको पता चलता है ना, कोई भी आपको टीचर बात कहता है कि हाँ ये वाली बात मुझे मेरे टीचर ने कही थी, तो वो आपने वो टीचर वाली बात क्या की हुई होती है, अपने माइंड में
उसी टाइम पे पैसे पहले एसिमिलेट करके अकोमोडेट कर लेते हैं। जब वो चीज आपके दिमाग में, मतलब जो आपकी न्यू लर्निंग है, एसिमिलेशन को आप न्यू लर्निंग कह लें, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जब वो न्यू लर्निंग आपका, वो न्यू लर्निंग आपके स्कैमा का पार्ट कैसे बनेगी, इस प्रोसेस को अकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, अब वो प्रोसेस कैसे बनेगी, क्योंकि पहले आपके पास पैटर्न बने हुए, आपकी नॉलेज है, तो अब क्या होगा, अकोमोडेशन के अंदर आपका जो स्कैमा है वो अल्टर्ड होगा, चेंज होगा न्यू डायरेक्शंस के हिसाब से। तो अब ये क्या हो गया, अकोमोडेट हो गया। जब वो न्यू नॉलेज आपके माइंड के अंदर अकोमोडेट हो गई, आपको पता चल गया कि जानवर सिर्फ दो टांगों वाला नहीं होता, बल्कि चार टांगों वाला नहीं होता, बल्कि दो टांगों वाला भी होता है। अब ये प्रोसेस कहाँ चला गया, आपके माइंड में अकोमोडेट हो गया। जब अकोमोडेट हो गया तो आपने एडजस्ट कर लिया, तो आपका माइंड किस फॉर्म में आ गया, आपका माइंड इक्विलिब्रियम फॉर्म के अंदर आ गया, या उसे हम इक्विलिब्रेशन भी कहते हैं। तो होपफुली ये पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको समझ आ चुकी होगी, यही सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है प्याजे की थ्योरी के पीछे। अगर आपको ये प्रोसेसेस समझ आ चुके हैं तो अगली जो थ्योरी है वो बिल्कुल ही आसान है, आपको आगे सारा समझने के अंदर बहुत आसानी होगी। अब जी हमारे पास है एक सवाल जो कि है अमेरिकन क्वेश्चंस एंड प्याजे। ठीक है, ये अमेरिकन क्वेश्चंस की काफी दफा बात होती है, तो मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं आप लोगों को अमेरिकन क्वेश्चन के बारे में भी बता दूं कि अमेरिकन क्वेश्चन क्या है। कभी भी बात हो अमेरिकन क्वेश्चन की तो आप पता हो कि इसका मतलब है क्या। तो प्याजे के हिसाब से जब उन्होंने ये अपना आइडिया यूएसए के अंदर प्रेजेंट किया तो उनकी थ्योरी पे क्या था जी, उसकी थ्योरी के ऊपर इश्यू बन गया, क्या ये पॉसिबल है, क्या हम इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्या हम जो बच्चे हैं उनके कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है उसको हम स्पीडली डेवलप कर सकते हैं, उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कर सकते हैं क्या हम किसी चाइल्ड की। तो ये क्वेश्चंस जो हैं प्याजे की थ्योरी से, प्याजे की थ्योरी के ऊपर उठाए गए, ठीक है, ये सवालात उठाए गए। तो ही बिलीव्ड अमेरिकन टू बी ऑब्सेस्ड विद इनहांसिंग द रेट ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट। वो उनका ये मानना था कि अमेरिकन जो हैं वो चाहते हैं कि बच्चों की जो रेट ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट है ना वो तेज हो। ठीक है, अब वो जो मिसाल के तौर पे एक बच्चा है उसका माइंड जो है इतनी जल्दी काम नहीं कर रहा। ठीक है, काफी बच्चे होते हैं ना जो मेंटली तौर पे छोटे होते हैं बट जिस्मानी तौर पे बड़े हो चुके होते हैं। अब जो अमेरिकन थे वो चाहते थे कि इस बच्चे का जो माइंड की डेवलपमेंट है वो हम खुद तेज कर सकें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं हमारी क्लासरूम के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर। तो जो प्याजे थे वो कहते थे भाई ये एक अच्छा ख्याल नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो ये बिल्कुल गलत है। स्टूडेंट जो है हर किसी का क्या अर्ली टू सर्टेन कॉग्निटिव लेवल बट स्टैग्नेट फर्दर डेवलपमेंट। काफी दफा क्या होता है, स्टूडेंट्स का अपना कॉग्निटिव लेवल होता है, हर जो स्टूडेंट होता है उसकी कॉग्निटिव लेवल अलग अलग होता है। आप एक क्लास में से अगर अलग अलग स्टूडेंट से ही सवालात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बट एक सिचुएशन के ऊपर आके वो क्या होता है बिल्कुल रुक जाता है, स्लो पेस के अंदर ग्रोथ हो रहा होता है। ठीक है, और उससे फिर होता क्या है कि उसकी इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट है वो होती है। तो इस सारे सिचुएशंस को, इस चीज को कहते हैं अमेरिकन क्वेश्चंस, किसका, प्याजे का। अच्छा जी, तो ये हो गया जी ओवरऑल बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ प्याजे थ्योरी, प्याजे का बैकग्राउंड क्या था। अब हम चलते हैं स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आखिर वो कौन सी स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जिनको हमने अपने माइंड में लाजमी तौर पे रखना है, प्याजे ने किस तरह कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है दी है। तो सबसे पहले अब हम स्टेजेस को देख लेते हैं। तो स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, प्याजे डिवाइडेड हिज थ्योरी इनटू फोर स्टेजेस। आपने सबसे पहले ये बात याद रखनी है, ठीक है। फोर स्टेज के अंदर जो पहला स्टेज है उसे कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि
बर्थ से लेके 2 ईयर तक होता है। इसके अंदर इंफॉर्मेशन हासिल की जाती है थ्रू सेंसेस, मतलब देखना, सुनना एंड मोटर एक्शंस, रीच, पहुंचना और टच करना। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं तो हर चीज तक पहुंचना जानते हैं और उसको टच करते हैं और काफी दफा सुनते भी हैं और देख भी रहे होते हैं और चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो ये क्या है, मतलब जो चाइल्ड है उसका माइंड, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट सेंसेस के थ्रू हो और एक्शंस के थ्रू हो, वो जो स्टेज है वो सेंसरी मोटर स्टेज है। बेबी कांट टेल द डिफरेंस बिटवीन देमसेल्व्स एंड द एनवायरनमेंट, जो बच्चा है इस स्टेज के अंदर अपने और एनवायरनमेंट के दरमियान फर्क को बताने के काबिल नहीं होता। बच्चे को अक्सर हम कहते हैं ना, मिसाल के तौर पे हमारे हाथ में एक सिक्का है, क्वाइन है। अब हम बच्चे को दिखाते हैं कि ये रहा बेटा क्वाइन, और जल्दी से हाथ उठा के पीछे करते हैं, बोलते वो गया, गायब हो गया। या बच्चे का कोई खिलौना होता है उसको दिखाते हैं और एकदम से कोई फास्ट एक्शन करके हाथ को आगे पीछे करके बोलते वो गया, गायब हो गया, और बच्चे को फिर थोड़ी देर के बाद दिखाते हैं तो बच्चा खुश हो जाता है। तो ये कौन सा स्टेज है, ये स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसके अंदर बच्चे के दिमाग में ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होती। ठीक है, वो ये नहीं समझता कि अगर कोई चीज मुझे नहीं दिख रही तो इसका मतलब ये है कि वो है ही नहीं। ठीक है, जरूरी नहीं है, बट जब हम बड़े होते हैं तो फिर हमें पता चलता है जरूरी नहीं है, जो चीज मुझे नहीं दिख रही उसका वजूद ही नहीं है। ठीक है, इस दुनिया के अंदर वो है पर कहीं ना कहीं और है, मुझे नहीं दिख रही तो कोई मसला नहीं है, मेरे पास नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। बट इस स्टेज के अंदर जो बच्चा है उसके दिमाग में ये वाली इंफॉर्मेशन होती ही नहीं। अब जी जो सेंसरी मोटर स्टेज है उसको अंदर फर्दर 6 सब स्टेजेस के अंदर डिफाइन किया गया है। वो कौन से स्टेजेस हैं, अब हम उनको देख लेते हैं। तो जी जो फर्स्ट वन है वो स्टेजेस ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज वो बर्थ टू 1 मंथ तक होता है। चाइल्ड लर्न थ्रू इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस सच एज सकिंग एंड लुकिंग। तो जो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज हैं वो क्या हैं, इसके अंदर सकिंग और लुकिंग आता है, क्योंकि बच्चा हर चीज को अपने मुंह में डालता है, उसको चूसता है और हर चीज को देख रहा होता है। तो ये है जी इसका फर्स्ट स्टेज, किसका, हमारे पास सेंसरी मोटर स्टेज का। सेकंड जो सब स्टेज है वो है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस, 1 to 4 मंथ तक होता है, जिसके अंदर सेंसेशन एंड स्केमा गेट कोऑर्डिनेटेड, चीजों के साथ जो है कोऑर्डिनेशन बनाना शुरू कर देता है, सेंसेशन बच्चे के अंदर आना शुरू हो जाती है। प्राइमरी इन्फेंट फोकस ऑन देयर ओन बॉडीज, वो अपनी बॉडी को देखता है कि भाई मेरी बॉडी क्या है, किस तरह बनी हुई है, बनावट किस तरह है, उंगलियां हैं तो क्यों हैं, पांव हैं तो क्यों हैं, मतलब हर चीज को जो है वो चेकिंग कर रहा होता है कि, मतलब आप ऐसे समझ लें अपने जो है बॉडी को वो चेक कर रहा होता है कि सही भी है या नहीं है, जस्ट सिर्फ समझाने के लिए मजाक कर रहा हूँ। तो सर्कुलर का मतलब क्या है, कोई भी काम है उसको रिपीट करता है, रिपीटेशन करता है। आप देखते हैं ना बच्चा अगर लेट सपोज वो कोई भी काम करता है, या जमीन के ऊपर या कोई खिलौना है उसको अगर वो मारता है और आप हंसते हैं आगे से, तो क्या होगा, वो रिपीट करेगा, वो सेंस करेगा, लुक करेगा और उसके बाद फिर उसी जो चीज़ है उसको रिपीट करेगा। होगा क्या, ये एक्शन करने से उसको खुशी मिलेगी, इसकी वजह से तो वो करेगा। उसके बाद जी जो थर्ड सब स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज का, वो है सेकेंडरी सर्कुलर स्टेज, जो कि 4 से 8 मंथ तक होता है, जिसके अंदर वो दुनिया के ऊपर फोकस करता है, इंटेंशनली रिपीट देयर एक्शंस टू गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम एनवायरनमेंट। ठीक है जी, वो क्या कहता है कि कोई भी एक्शन करता है, मिसाल के तौर पर कोई काम करता है जिससे अब्बू खुश होते हैं, तो वो बार बार वो काम करेगा। ठीक है, अगर कोई खिलौना है उसको वो दबाता है और उसमें से आवाज निकलती है और अब्बू खुश होते हैं, उसको बोलते हैं वाह भाई वाह, या कोई भी रिएक्शन देते हैं, तो वो रिस्पॉन्स हासिल करने के लिए वो बच्चा जानबूझ के वो काम करेगा। काफी दफा बड़े जो हैं फिर इस वजह से तंग भी आ जाते हैं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, जो दिख नहीं रहा वो दिमाग में नहीं है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट परमानेंस वाला यहाँ पे बात आ रही है। ठीक है जी, उसके बाद है फोर्थ सब स्टेजेस और वो है कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन, जो कि 8 से 12 महीने तक होता है। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, इसके अंदर क्या होता है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो क्या होगा, अगर मैं जो है बेड के नीचे चला जाऊंगा तो मैं गुम हो जाऊंगा, मैं डरूंगा, मैं तो, ये क्या है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। या मिसाल के तौर पे आप बच्चे को कोई खिलौना दे देते हैं और खिलौने से बच्चे को नुकसान हो जाता है या उसको कहीं
कोई चोट लग जाती है तो वो उससे डरना शुरू हो जाता है कि नहीं मैंने ये काम नहीं करना, क्यों, अगर मैं ये काम करूंगा तो इसका ये इफेक्ट होगा। और इस एज के अंदर बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंट जो है ऑब्जेक्ट जो परमानेंट है वो अक्वायर्ड होना शुरू हो जाता है, मतलब वो सीख जाता है कि कोई मसला नहीं है, ऑब्जेक्ट की परमानेंस होती है इस दुनिया के अंदर। उसके बाद जी फिफ्थ जो सब स्टेज है वो है टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शंस, जो कि 12 से 18 मंथ तक होता है। इसके अंदर स्टेज ऑफ ट्रायल एंड एरर, वो क्या करता है, गलती करता है सीखता है, गलती करता है सीखता है, गलती करता है सीखता है। उसी तरह ही वो रिपीट मिस्टेक्स एंड गेट अटेंशन फ्रॉम केयर गिवर्स, वो बार बार गलती करता है ताकि उसके जो है ख्याल करने वाले हैं वो उसको बार बार उसको अटेंशन दें और उसका ख्याल रखें। एंड द लास्ट जो है सब स्टेज ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज का वो है अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट, जो 18 से 24 मंथ तक होता है। इसके अंदर वो मेंटल एबिलिटीज के ऊपर ज्यादा फोकस करता है रादर देन फिजिकल एक्टिविटीज। अब जी जो सेकेंड स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 साल तक होता है। इसके अंदर बच्चा अपनी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी कर लेता है। यंग चिल्ड्रन कैन थिंक अबाउट थिंग्स सिम्बॉलिकली, वो चीज़ों को निशानियों के साथ याद करना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पे बच्चे को अगर आप मोबाइल दे दें तो 2 साल का बच्चा क्या करता है, वो निशानियां रख लेता है कि इस तरह का सिंबल आएगा तो फिर गेम चलेगी, या इतनी दफा इधर करना है और इतनी दफा उधर करना है, या इस तरह की चीज आएगी तो मुझे मेरी गेम चल जाएगी। तो इस तरह बच्चा अपने दिमाग में जो है अपनी जो माइंड है उसकी डेवलपमेंट करना शुरू कर देता है। लैंग्वेज यूज करता है, मेमोरी को यूज करता है, इमेजिनेशन उसके दिमाग में आती हैं। अब जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है इसके भी 2 सब स्टेजेस हैं। नंबर 1 प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, जो कि 2 से 4 साल तक होता है, जिसके अंदर बच्चा ईगो सेंट्रिज्म हो जाता है, मतलब हमेशा अपनी बात करता है, अगर उसकी बात ना मानी जाए तो वो क्या करता है, एक जो है जानवरों की तरह, नहीं भाई मेरी बात मानो, मतलब थोड़ा सा जज्बात दिखाना शुरू कर देता है, ठीक है, इस एज के अंदर। तो ये कौन सा स्टेज है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है, ठीक है, प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज है किसका, प्री ऑपरेशनल स्टेज का। उसके बाद है दूसरा इनिशिएटिव स्टेज, जो कि 4 से 7 साल तक होता है। इसके अंदर वो कन्वर्सेशन के अंदर उसको प्रॉब्लम हो रही होती है, कैन नॉट रिवर्सेबल थिंकिंग। मिसाल के तौर पे अगर आप उससे कहें कि पहले जो है आपके अंकल आए थे कमरे के अंदर, उसके बाद आपकी अम्मी आई थी, उसके बाद आपका भाई आया था, और उसके बाद जो है आपके अब्बू आए थे, तो बताओ सबसे पहले कौन आया था, तो वो बच्चा जो है इस तरह सुन तो लेगा बट पीछे नहीं जा सकता, रिवर्स चीजों को नहीं कर सकता, ठीक है, ये उसके अंदर एबिलिटी नहीं होती इस स्टेज तक। अब जी हमारे पास थर्ड स्टेज है, और थर्ड स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 साल से 11 साल तक होता है। ऑपरेशंस ऑन कंक्रीट ऑब्जेक्ट बट फाइंड इट हार्ड टू सॉल्व एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स, एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स वो सॉल्व नहीं कर पाता, जो कंक्रीट मतलब जो आप ऐसे कह सकते हैं जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको वो टच कर सकता है, बट एब्स्ट्रैक्ट जो आइडियाज हैं या एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स हैं उसको उधर अभी जो है वो उसका दिमाग उनको हल करने के लायक नहीं हुआ होता, ठीक है, उसकी अभी इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई होती। टू सॉल्व मैथ इक्वेशंस बाय पुटिंग वैल्यूज, अक्सर फार्मूलाज के अंदर जो है वो वैल्यूज पुट करके जो है आंसर्स निकाल लेता है। बिगिन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशन का वो कॉन्सेप्ट समझ जाता है। कन्वर्जेशन का मतलब क्या होता है कि एक तरफ एक चीज है और दूसरी तरफ दूसरी चीज है, मिसाल के तौर पे आप बैलेंस है ना, एक तरफ 1 kg है और दूसरी तरफ क्या है आप ऐसे कह लें शुगर है, तो कन्वर्जेशन समझ जाता है वो, ठीक है, कन्वर्जेशन है क्या, 1 kg कितना सा दिख रहा है और जो हमारे पास चीनी है वो कितनी ज्यादा दिख रही है, तो कन्वर्जेशन वो समझ जाता है कि कन्वर्जेशन ऑफ थिंग्स किस तरह होती है। और यहीं पे उसके अंदर जो है रिवर्सिबिलिटी की भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, उसको पता चल जाता है, चाहे आप उससे पूछें कि जी कमरे के अंदर पहले कौन आया था, तो वो थोड़ा बेशक टाइम लेगा मगर वहां तक पहुंच जाएगा। और बच्चे के अंदर जो पिछले स्टेज के अंदर जो एनिमिज्म ईगो सेंट्रिज्म बना होता है तो वो खत्म हो जाता है। चाइल्ड जो है वो डेवलप करता है, क्या डेवलप करता है, ट्रांसिविटी, लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन 3 things, मतलब 3 things के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं
आपकी अम्मी आपकी, एक मिनट जी क्या आ गया, ये मैं आपको ऐसे कहता हूँ, ठीक है, आपकी अम्मी है, उनके फादर है, ठीक है, और उनकी क्या है, ये मदर, मदर के क्या है, फादर है, और फादर, फादर का क्या है, एक बेटा है, तो बताएं ये बेटा आपका क्या लगा, ठीक है, तो वो इस तरह के, हालांकि लगा तो आपका मामू ना, बट वो इस तरह के रिलेशनशिप्स जो है वो क्या करता है, वो समझना शुरू कर देता है, ठीक है, कि भाई क्या लगा वो। अच्छा, इसी तरह ही अगर आपको उसको बताया जाए कि जी ए जो है वो बी से बड़ा है और बी जो है सी से बड़ा है, तो बताओ ए जो है सी से कितना बड़ा है, या बी जो है वो सी से बड़ा है, या जो सी सी है वो ए से कितना छोटा है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो बच्चे के अंदर आना शुरू हो जाती है और इसे कहते हैं ट्रांसिविटी, ठीक है। उसके बाद इस रिलेशन, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स ऑर्डरली, चीजों को आप किस तरह जो है ऑर्डर्स के अंदर रखते हैं। क्लासिफिकेशन, उसको समझ आ जाती है जानवर क्या है, बर्ड्स क्या है, इंसान क्या है, और इसके साथ वो डिसेंट्रिक हो जाता है। डिसेंट्रिक का मतलब क्या है, यही कि ईगोसेंट्रिज्म नहीं, डिसेंट्रिक हो जाता है, वो सिर्फ जो है अपने ऊपर फोकस नहीं बल्कि एनवायरमेंट के ऊपर भी फोकस करना शुरू कर देता है। अच्छा जी, अब हमारे पास स्टेज है फोर्थ स्टेज, और वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर क्या करता है बच्चा, वो कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ आ जाता है, उसको एम ऑफ लाइफ का मतलब पता चल जाता है, एम ऑफ लाइफ क्या है, मिसाल के तौर पे स्पिरिचुअलिटी के बारे में कॉन्सेप्ट थोड़े से आना शुरू हो जाते हैं इस स्टेज के अंदर, क्योंकि वो 12 साल के बाद जो है बच्चा चीजों को साइंटिफिकली देखना शुरू कर देता है, इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक भी उसके अंदर आ जाता है। तो ये थे जी स्टेजेस, किसके, फोर स्टेजेस ऑफ पियाजे थ्योरी के। अब हम थोड़ा सा हम डेवलपमेंट को देख लेते हैं कॉम्प्रिहेंसिवली, ताकि आपके माइंड में वो वाली चीजें भी आ जाएं कि इस थ्योरी से होता क्या है, ठीक है जी। तो डेवलपमेंट हैपेंस फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज थ्रू इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शंस के साथ जो है बच्चे की जो है वो डेवलपमेंट होती है। ऐसा नहीं है एनवायरमेंट के साथ डेवलप इंटरेक्शंस नहीं करेगा तो वो किस तरह सीख पाएगा। चिल्ड्रन मे मूव फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज अब्रप्टली एंड टाइम ड्यूरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम चिल्ड्रन टू चिल्ड्रन फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज। जरूरी नहीं है, जो पियाजे ने एक फिक्स टाइम टेबल दे दिया है तो वो हमेशा ऐसा ही होगा। कुछ बच्चे होते हैं कि बड़े हो जाते हैं बट उनको सॉरी जी फॉर्मूला के अंदर जो वैल्यू है वो पुट करना नहीं आती, तो कुछ बच्चों को बिल्कुल छोटी उम्र में आ जाती है, कुछ बच्चे बड़े हो जाते हैं तब भी उनको नहीं आ रही होती। कुछ बच्चों के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे बचपन से ही ग्रामर में बहुत अच्छे होते हैं बट जब बड़े हो जाते हैं तो कुछ बच्चे होते हैं जो ग्रामर में अच्छे नहीं होते बट जब बड़े होते हैं तो फिर उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो इस तरह है कि जो माइंड की डेवलपमेंट है वो हर बच्चे की अलग अलग होती है, और काफी दफा ऐसा होता है कि एक स्टेज पूरा नहीं होता और एब्रप्टली दूसरा स्टेज स्टार्ट हो जाता है, तो वो फिर बच्चा जरा कंफ्यूज हो जाता है कि उसके माइंड में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं एट द सेम टाइम। कंट्रोल्ड बायोलॉजिकल ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। भाई ये कह रहा है कि अगर आप जो बायोलॉजिकल ग्रोथ है उसको कंट्रोल नहीं करते तो फिर आपकी कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है ना उसके अंदर बहुत मसला आएगा। चाइल्ड कैन नॉट लर्न अनलेस वर्क, बच्चे जब तक डूइंग नहीं करेंगे हाउ दे विल लर्न, तो लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट है। सोशल एनवायरमेंट एंड इंटरेक्शंस ऑफ इट बाय चाइल्ड हेल्प्स इन डेवलपमेंट। भाई सोशल एनवायरमेंट और इंटरेक्शंस बहुत जरूरी है, क्योंकि चाइल्ड जो है लिटिल साइंटिस्ट होता है और वो अपनी जो भी नॉलेज है वो कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, तो एनवायरमेंट और सोशल इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो एनवायरमेंट है वो उसको डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर रहा होता है उसके डेवलपमेंट के ऊपर। जो बच्चा जो है वो चीजें हर चीजें एक स्टेज के अंदर सीखता है, कुछ बच्चे एक्स्ट्रा जो है उनके पास आईक्यू लेवल होता है तो वो बहुत जल्दी चीजें सीख जाते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू स्किप सम स्टेजेस, हाउएवर अमेरिकन ट्राई एक्सेलरेट डेवलपमेंट। अब यही अमेरिकन क्वेश्चन था
कि जी जो बच्चा है वो ऐसे नहीं है कुछ स्टेजेस छोड़ के वो जी सेंसरी स्टेज से एकदम जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के ऊपर पहुंच जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कोई भी स्टेज वो बीच में से नहीं छोड़ सकता, स्टेजेस वाइज आएंगे। अब अमेरिकन यही चाह रहे थे कि हम जो है जो माइंड की डेवलपमेंट है उसको जल्दी जल्दी कर दें, और इसको हम अमेरिकन क्रिश्चियंस कहते हैं। अब जी सपोर्ट क्या है, ठीक है, प्याजे की। अब प्याजे व्यूड द चाइल्ड्स वर्ल्ड एंड देयर मेथड्स ऑफ स्टडिंग चिल्ड्रन। जो प्याजे है, प्याजे ने स्टडी किया गया था बच्चों का जो है वर्ल्ड व्यू स्टडी किया था, मेथड को स्टडी किया था कि बच्चे आखिर सीखते किस तरह है। अ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज हैव बीन ड्राइव फ्रॉम प्याजे वर्क। जो प्याजे का वर्क है उसमें से बहुत सारी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज को हम निकाल सकते हैं और निकाली भी गई है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं प्याजे के कॉग्निटिव अप्रोच का। इम्प्लीकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ फायदा हुआ है इस थ्योरी की वजह से। यूज कोलाबरेटिव एज वेल एज इंडिविजुअल एक्टिविटीज बिकॉज इट्स लर्न एज मच एज फ्रॉम ईच अदर एज फ्रॉम पेरेंट्स और टीचर। तो बच्चे जो हैं वो कोलाबरेटिव लर्निंग की तरफ जाते हैं ताकि वो इंडिविजुअल एक्टिविटीज कर सकें, ताकि वो सीख सकें दूसरे बच्चों से, टीचर से, पेरेंट्स से, कि वो किस तरह कर रहे हैं। भाई डिस्कवरी अप्रोच के ऊपर आपने जो है फोकस करना है, टीचर ने बच्चों को एक ऐसी प्रॉब्लम देनी है कि बच्चे डिस्कवरी मेथड की तरफ जाएं और अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करें। को करिकुलर एक्टिविटीज को बिल्कुल इम्पोर्टेंस दी गई है। यूज विजुअल एड्स टू सपोर्ट लर्निंग, भाई आप विजुअल एड्स का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों की लर्निंग करने के लिए। इंडिविजुअल लर्निंग के ऊपर बात की गई है, इसके ऊपर बात इम्प्लीकेशंस जो है इंडिविजुअल लर्निंग की भी है कि स्टूडेंट शुड जज इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। जो बच्चे हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को खुद जज कर सकते हैं कि कौन अच्छा कर रहा है कौन अच्छा नहीं कर रहा, तो इसे कहते हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को जज करना। स्टूडेंट सेंटर टीचिंग एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट, अब इससे ही कॉग्निटिव अप्रोच से ही ये चीजें निकली है, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड जो था जिसे हम एक्टिव टीचिंग मेथड भी कहते हैं, और फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, एक होती है समेटिव असेसमेंट, एक होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव होती है जो पहले की जाए, समेटिव होती है जो एंड में की जाए। इसको हम जब हम टेस्टिंग की तरफ जाएंगे तो वहां पे हम असेसमेंट को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। एक्टिव लर्निंग की बात होती है कि आपने हमेशा क्या करना है, एक्टिव लर्निंग करनी है, क्योंकि चाइल्ड जो है वो अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करेगा। जिनके साथ आप पढ़ रहे हैं उनके साथ आप कॉन्फ्लिक्ट में आ सकते हैं, पर आप डिस्कस करके इन्वायरमेंट के अंदर सोशल इंटरेक्शन के साथ आप डिस्कस करके अगले का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ सकते हैं। अगले का पॉइंट ऑफ व्यू समझने के बाद आप अपने स्कैमा के अंदर उसको लाने के लिए, उसको एडॉप्ट करने के लिए आप पहले एसिमिलेट करेंगे, फिर अकोमोडेट करेंगे, फिर आप उसको एडॉप्ट कर लेंगे और आपका माइंड जो है इक्विबिलियम के अंदर आ जाएगा जी। अब आ जाते हैं क्रिटिसिज्म की तरफ। भाई क्रिटिसिज्म आखिर है तो क्या है इस थ्योरी के अंदर। सिंपली जो इसका प्याजे का सैंपल था ना वो बहुत छोटा था, कुछ बच्चे थे और इनके अपने ही बच्चे थे जिनके ऊपर इन्होंने ये सारी स्टडी की थी, ठीक है। एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है कि इनका जो सैंपल था वो छोटा था और एक जैसा ही था, बट इसके बावजूद भी वो अपनी जगह बनाने में बहुत कामयाब हुए हैं, जो कि मैं वीडियो के स्टार्ट में भी मैंने आपको बताया था। कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो हो रहा है, बट ये है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहा हूँ, कोई भी एक पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा, अपनी तरफ से कोशिश की है। क्यों? क्योंकि आपको सारा जो अंडरस्टैंडिंग है प्याजे की थ्योरी की वो मिल जाए। अच्छा, सिमिलर जेनेटिक हेरिटेज हेरिटेज एंड एनवायरनमेंट, भाई एक तरह की चीज़ें होती हैं, एक ही एनवायरनमेंट में एक तरह की चीज़ें होती हैं, एक ही खानदान में एक तरह की चीज़ें होती हैं। ये क्रिटिसिज्म किया गया है वो जो उनका सैंपल साइज छोटा था ना उसके ऊपर, कि भाई आपने एक ही तरह के बच्चे लिए और उसके ऊपर ही आपने जो है पूरी एक पहाड़ बना दिया और आपने कहा कि ऐसा ही होता है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है कि जिन सैंपल्स को आपने स्टडी किया है उनके अंदर कोई प्रॉब्लम हो, या वो एक ही तरह का उनका जेनेटिक जो है उनके पास चीजें हो, जेनेटिक्स जो है उनका हेरिटेज सेम हो, और वहां से आपने पकड़ के एक पूरा थ्योरी बना दी और कह दिया कि सबके साथ ऐसा होता है। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है प्याजे की थ्योरी के ऊपर। चिल्ड्रेन ऑफन ग्रैप्स
आइडिया अर्लियर देन व्हाट प्याजे फाउंड। भाई जो प्याजे साहब ने फरमाया है जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही हो। काफी दफा बच्चे जो छोटे होते हैं, आप उनको बोलो जी मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, वही सेम एग्जांपल लिखता हूँ। आपकी मदर है, उनके फादर है, और फादर के क्या है, सन है। तो बच्चे से पूछो बेटा वो सन आपके क्या लगे, तो बच्चा कहेगा मेरे मामू लगे। अच्छा जी चलो जी ये भी ठीक हो गया। फिर इसी तरह ही आप बच्चे को कोई और चीज दे देते हैं कि जी क्लास में सबसे पहले अंकल आए या रूम के अंदर अंकल आए, उसके बाद फादर आए, फिर मदर आई, फिर आपकी सिस्टर आई, फिर जो है आपके ऐसे कह सकते हैं फ्रेंड आए। तो बताओ सेकंड नंबर पे कौन आया था, या अंकल के बाद कौन आया था, बोले का फादर आए थे। तो अब ये क्या हो गया, जो प्याजे साहब ने तो कहा था कि जी ये स्टेजेस के अंदर डेवलपमेंट होगी, फिक्स नहीं होती पर उन्होंने स्टेजेस दिए थे। अब काफी दफा क्या होता है, कुछ बच्चे कुछ अगले स्टेज की बातें पिछले स्टेज में ही सीख लेते हैं। तो ये क्रिटिसिज्म है प्याजे की थ्योरी के ऊपर कि भाई आप जो ऐसा कह रहे हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप खुद भी अपना थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो आप इन सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे। अच्छा भाई लास्ट में क्या है, डेवलपमेंट कैन टू सम डिग्री बी एक्सेलरेटेड। भाई ये एक थ्योरी थी जो अमेरिकन क्वेश्चन था। अमेरिकन क्वेश्चन के ऊपर बात ये होती है कि भाई आपके पास कुछ टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से आप बच्चे की जो मेंटल डेवलपमेंट है उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं, जो कि प्याजे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। हमने कॉम्प्रिहेंसिवली जो है कॉग्निटिव प्रोस्पेक्टिव को, प्याजे के स्टेज डेवलपमेंट्स को, उसकी इम्प्लीकेशंस को, क्रिटिसिज्म को, और जो भी उनका वर्क्स था उसको बहुत अच्छे तरह से हमने स्टडी किया है। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन माई गिवन नंबर, आई विल गिव यू आंसर। और इन लास्ट आप लोगों को पता है देर आर सम एमसीक्यूज फॉर यू, सो बी रेडी, वी कैन आर गोइंग टू द एमसीक्यूज। जी ये हमारे एमसीक्यूज आ गए, काइंडली जी वीडियो को पॉज कीजिए, अपने राइट ऑप्शंस लिखिए। होपफुली आप लोगों ने अपने राइट ऑप्शंस लिख लिए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ये रहे जी हमारे पास नेक्स्ट 4 एमसीक्यूज, काइंडली वीडियो को पॉज कीजिए और अपने राइट ऑप्शंस लिखिए। होपफुली जी आप लोगों ने अपने राइट ऑप्शंस लिख लिए होंगे। अब है राइट आंसर कीज, और ये रही आपकी राइट आंसर कीज। आपके एटलीस्ट जो है 7 क्वेश्चन सही होने चाहिए इन पूरे जो है 9 एमसीक्यूज के अंदर। अगर आपका कम स्कोर आ रहा है काइंडली वीडियो को दोबारा देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आंसर कीज में से कोई भी प्रॉब्लम है, किसी स्टूडेंट्स को लग रहा है कि नहीं ये गलत है, तो आप दोबारा वीडियो उसको देखें। अगर फिर भी उसको लगता है कि नहीं उसको समझ नहीं आ रही, तो आप मुझसे मेरे नंबर के ऊपर जो है पूछ सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल बाकायदा तौर पे हर चीज का जवाब दूंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी हो सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज फ्री लर्निंग फॉर ऑल एग्जाम्स। होपफुली यू हैव लर्न अलॉट। इफ यू वॉन्ट और इफ यू ज्वाइन दिस कोर्स देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई गिवन नंबर, आई विल एड यू इन माई ब्रॉडकास्ट लिस्ट और अ ग्रुप, देयर यू कैन गेट दिस टाइप ऑफ वीडियोज, एमसीक्यूज, हैंड रिटन नोट्स एंड PPTs of this type of lectures on daily basis. Inshallah ta'ala, you will able to pass any test which is belongs from the education. So अपना ख्याल रखिएगा। Inshallah ta'ala, we will meet with new video. Till that time, खुदा हाफिज, bye bye.